हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आरबी फंटासी 7। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेंस बास्केटबॉल लीग का जो मैच होने वाला है ऑकलैंड ड्रीम्स वर्सेस हार्बर ब्रिज के बीच में। तो अगर इन दोनों टीम का कंपैरिजन करें तो ब्रिज ने अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया हुआ इस सीरीज़ में और ऑकलैंड ने 4 मैचेस खेले हुए, 2 विन 2 लॉस। तो ठीक है, तो टीम स्टार्ट करने से पहले लास्ट मैच के बारे में जो मैंने टीम बताई थी उसमें से लगभग वही टीम ग्रैंड लीग भी विन कर गई थी। बस आपको एक चेंजेस करना था, जेड जेलिंग को मैनेज करना था और एसपी को मैनेज करना था। तो ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, अंत तक देखना, आपको ग्रैंड लीग के टिप्स भी दे दूंगा इस वीडियो में। अगर दोनों टीम की अगर हम बात करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा जब कंपैरिजन करेंगे। तो बस वीडियो अंत तक देखना, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी जाना, बिना सब्सक्राइब करके ना जाना। तो ठीक है, अगर हम बात करेंगे अगर इन दोनों टीम की, तो ब्रिज ने अभी तक 4 मैचेस खेले हुए जिसमें से 4 आउट ऑफ 4 विन कर लिए, और उसी के साथ साथ ड्रीम ने 4 मैचेस खेले हुए, 2 विन 2 लॉस। तो ड्रीम्स के लिए ये मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ड्रीम्स की टीम बेस्ट देने वाली है अपनी तरफ से। और ब्रिज आज बेंच प्लेयर को भी यहाँ पर मौका दे सकती है और बेंच प्लेयर को ज़्यादा टाइम दे सकती है। तो ड्रीम की टीम के तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर आज ज़्यादा टाइम खेलते हुए नज़र आएंगे, और ब्रिज की तरफ से मुझे लगता है थोड़े से यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो कम टाइम खेलते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ब्रिज की टीम की, तो लास्ट मैच जो 4 मैच है उन्होंने लगभग सभी टीम को यहाँ पर हराया है। अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट लास्ट जो कल का मैच हुआ था, जेड जेलिंग सबसे कम परसेंटेज था कल का और इन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया था, और अगर इसे हम कल की टीम में मैनेज कर लेते तो फिर स्मॉल लीग टीम से ग्रैंड लीग भी विन कर लेते। तो अगर हम बात करेंगे इस तरफ से, तो अकेले में फोटो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसी के साथ बी प्लेयर सबकी एसपी होने वाले आज जी फोटो और उसी के साथ साथ जेड जेलिम। तो ये 4 प्लेयर ऑलमोस्ट सबके पास होने वाले हैं आज की टीम में। अगर बात करेंगे जी मॉर्स, तो इनका नाम मॉर्स है, तो ये भी सबके पास लगभग होने वाले हैं क्योंकि कम क्रेडिट में मिल जा रही है। तो वाइजर्स को कल का मुकाबला बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ रहा था, उसमें एक एलिमा पोट्टो का अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, बी ब्लेयर का हर मैच में परफॉर्मेंस रहता है, सबकी आज की एसपी यही होने वाली है जी मॉर्स, और उसी के साथ जेड जिलिंग लास्ट मैच पे बढ़िया किया था, उसी के साथ टी क्लार्क को आज ग्रैंड लीग में ट्राई करना है क्योंकि इनको मुझे लगता है यहाँ पर अटैकिंग मोड पर आज खेला जाएगा, क्योंकि यार ये बेंच स्ट्रेंथ आज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद की टीनी ग्रैंड लीग पिक, सबसे बेस्ट ग्रैंड लीग पिक ओबेली को भी यहाँ पर टाइम दिया जा सकता है आज के मैच में खेलने के लिए, कल का मैच में उनको टाइम नहीं था। तो की टीनी और टी क्लार्क पर आज ग्रैंड लीग में ध्यान रखना, उसी के साथ साथ एक गेल में फुट्टू हर मैच में लगभग परफॉर्मेंस करते आ रही है, लगभग कुछ 25% लोगों ने इनको पीपीपी बनाए, और इस टीम की तरफ से सबसे बेस्ट यहाँ पर पॉइंट ले दिए। लास्ट मैच में देखेंगे 80 पॉइंट इनके थे, 11 अटेम्प्ट किए थे उसमें 8 कलेक्ट किए थे, उसी के साथ एक स्टील भी था और 8 रिबाउंड भी थी। तो अगर बात करेंगे हम बी ब्लेयर की, तो 60 पॉइंट इन्होंने भी लिए थे, उसी के साथ साथ 3 स्टील थे, 4 रिबाउंड और 5 असिस्ट। तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है बी ब्लेयर का भी। और अगर हम बात करेंगे जी फोटो की, तो यहाँ पर ये स्टील और ब्लॉक को बहुत करती है जी मॉर्स और जी फोटो, तो यहाँ पर लास्ट मैच में भी वही, और जेड जेलिंग की बात करें तो उनके बारे में भी वही। तो सबको उनका रोल है कि एलिमा फोटो पॉइंट्स लेंगे, उसी के साथ बी ब्लेयर पॉइंट्स प्लस यहाँ पर आपको रिबाउंड भी आते देखते हुए नजर आएंगी। जी जेलिंग की बात करें ब्लॉक और स्टील ज़्यादा करेंगे, उसी के साथ जी मॉर्स भी ब्लॉक और स्टील ज़्यादा करेंगे, और जी फोटो का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहेंगे, हर मैच में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस टीम में किस प्लेयर का क्या रोल है वो मैंने अभी आपको समझा दिया है, जेड जेलिंग स्टील और ब्लॉक करेंगे, उसके बाद जे मॉर्स स्टील और ब्लॉक, ये दोनों स्टील और ब्लॉक के ज़्यादा पॉइंट देंगे, उसी के साथ जी फोटो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देंगे। बी प्लेयर की भी अगर बात करें तो लगभग इनका भी हर सेक्शन में कंट्रीब्यूशन रहता है, ब्लॉक हो या फिर असिस्ट हो या फिर रिबाउंड हो, और पॉइंट्स में तो लगभग हर मैच में अच्छे खासे पॉइंट ले रही है। एक एलिमा पुट्टो आपको ज़्यादा करके पॉइंट लेते हुए नजर आएंगे, स्टील और ब्लॉक इनके कम दिखेंगे और रिबाउंड इनके ज़्यादा दिखेंगे हर मैच में, लगभग हर मैच में इनका परफॉर्मेंस सेम है। आप चाहे तो लास्ट मैच भी देख ले, यहाँ पर इनका रिबाउंड भी देखिए, 9 रिबाउंड 80 पॉइंट एक एलिमा पुट्टो के, और उसी के साथ स्टील और ब्लॉक थोड़े से इनके कम दिखेंगे हर मैच में। अगर हम उसी के साथ साथ जेड जेलिंग की बात करें जिनका रोल मैंने बताया, यहाँ पर भी देखिए स्टील 4, उसी के साथ अगर जे मॉर्स की बात करें तो 2 स्टील और 1 ब्लॉक, तो ये इनका रोल है। अगर हम बात करेंगे सेकंड टीम की, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने बता दिए। अगर हम बात करेंगे सेकंड टीम की जो है वाइजर्स, तो वाइजर्स की बात करें तो लास्ट मुकाबला लास्ट के दोनों भी मैच ये हार के आ रही है स्विस के साथ और गोल्ड रश के साथ। तो ठीक है,
तो अगर हम इस टीम की बात करें तो जो लास्ट मुकाबला हुआ था, तो ये इस मुकाबले में यश रोबोट ही इनकी तरफ से इम्पोर्टेंट प्लेयर है। मतलब हर सेक्शन से यहाँ पर आपको पॉइंट देते हुए नज़र आएंगे और सबकी पीपी भी लगभग यहाँ पर आपको देखते हुए नज़र आएंगे आज के मैच में। उसी के साथ एवेमेट 21 क्रेडिट की प्लेयर है भाई, कोई नहीं लेने वाला है इसको आज। मतलब इनका क्रेडिट मैनेज करना है तो फिर बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा और उस जुगाड़ के चक्कर में टीम बैलेंस यहाँ पर बनता नहीं है। तो ए मैके की बात करें, लोगों ने कम लिया हुआ इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है ये प्लेयर आज बढ़िया नॉक खेल सकती है क्योंकि यहाँ पर ए मैके पॉइंट बढ़िया देती है। उसी के साथ साथ इनका स्टील में और ब्लॉक में इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम देखने को मिला है लास्ट के दो मैचेस में। अगर हम इनके स्टार्टिंग के एक दो मैचेस की अगर बात करें तो यहाँ पर इनका स्टील भी था, पॉइंट भी था, उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर असिस्ट और रिबाउंड से भी थोड़े थोड़े पॉइंट दे दिए थे। अगर सेकंड मैच की अगर बात करें, इनके यहाँ पर स्टील 2 थे और पॉइंट 19 थे, तो इस मैच में इन्होंने बढ़िया किया था सेकंड मैच में। उसके साथ साथ थर्ड मैच की अगर बात करें तो थर्ड मैच में भी यहाँ पर एवरेज सा परफॉर्मेंस रहा था एमएके का, तो सेकंड मैच में इन्होंने बढ़िया किया। उसके बाद अगर फोर्थ मैच की अगर हम बात करें तो वह भी इनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस था पॉइंट से ही, तो इनका रोल है पॉइंट लेना। और उसी के साथ एवेमेंट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाएंगे आपको, स्टील और असिस्ट के कम से असिस्ट और रिबाउंड की ज़्यादा पॉइंट देते हुए नज़र आएंगे। उसी के बाद साथ साथ पॉइंट्स यहाँ पर थोड़ी सी कम देंगी। अगर बुचमैन की बात करें तो बुचमैन भी सेम है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है इनका भी। फर्स्ट और सेकंड मैच में इन्होंने बहुत बढ़िया किया था और लास्ट के दो मैच इनके लिए अच्छे खासे रहे, नहीं खराब मैच गए। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आरंगी ब्राउन, तो इनको लास्ट मैच में मतलब ये आपके लिए क्रेडिट सेवर साबित हो सकती है आरंगी ब्राउन। तो हर मैच में इनका भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो कुछ नहीं किया कर पाई अभी तक, यहाँ पर बस आपने टीम को असिस्ट करती हुई नज़र आ रही है, पासेस दे रही है, बाकी कुछ पॉइंट अटेम्प्ट नहीं कर रही है और ब्लॉक भी इनसे आप उम्मीद ही कम रखना। ओबेरी मस्त बेस्ट क्रेडिट सेवर प्लेयर मिल जाएंगे और पॉइंट भी अगर हर मैच में देखें ना ओबेरी की, तो बढ़िया पॉइंट देती हुई नज़र आती है। यहाँ पर दो पॉइंट इस मैच में भी थे, तो ठीक है। तो फर्स्ट मैच में अगर उनका देखें तो यहाँ पर भी फर्स्ट दो मैच अच्छे नहीं गए थे, लेकिन लास्ट का मैच अगर ओबेरी का देखे तो ओबेरी ने बढ़िया किया थे लास्ट के दो मैच। थर्ड मैच था, इन्होंने यहाँ पर 5 पॉइंट और 4 असिस्ट लिए थे, उसी के साथ साथ स्टील 4 थे, तो ये गजब का परफॉर्मेंस था थर्ड मैच में। और फोर्थ मैच में भी सेम परफॉर्मेंस रहा है इनका, स्टील 2 और पॉइंट 10, तो ओबेरी सबके पास होने वाली है लगभग, तो ठीक है इनको आप ट्राई करना अपने टीम में क्योंकि यहाँ पर एक क्रेडिट सेवर आपको मिल जा रही है। उसी के साथ यहाँ से अगर इस टीम से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर बात करेंगे ड्रीम्स की टीम से, एवेमेट हाई क्रेडिट मतलब बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, ग्रैंड लीग में ट्राई करना। उसके साथ एस मैकी इंपॉर्टेंट है, यस बुचमैन इनको ज़्यादा लोग इग्नोर कर रहे हैं, ग्रैंड लीग में अच्छे खासे पिक हो सकती है आज के मैच में। उसी के साथ साथ ओबेरी क्रेडिट से और मिल जाएंगी यस रोपतो, और फिर आपके लिए आर पापा थोड़े से यहाँ पर क्रेडिट से ओवर, लेकिन इनके यहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा कम लोगों ने इनको लिया हुआ है ग्रैंड लीग में ट्राई करना। तो यस रोबोट अगर बात करेंगे, सू बुचमैन, ए मैगी और ओ एमएमएट का क्रेडिट बहुत ज़्यादा है और ओबेरी, तो ये 4 प्लेयर लगभग आपको हर टीम में रोटेट होते हुए नज़र आएंगे आपके अपोनेंट की, तो इन पर नज़र रखना। और जो आज का एस पी और पी पी है, तो वाईमैट को यहाँ पर ग्रैंड लीग में ट्राई करना और एक दो लीग में एसपी और पीपी ट्राई करना। उसी के साथ यस रोपटो को भी एसपी और पीपी ट्राई करना, और सी बुचमैन को अपने 3 से 4 ग्रैंड लीग में बिल्कुल लेना अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि सी बुचमैन मुझे लगता है आज परफॉर्मेंस करेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई इस टीम के, और ड्रीम की टीम आज अपने तरफ से सबसे बेस्ट देने वाली है और सबसे बेस्ट प्लेयर को ज़्यादा टाइम देने वाली है, तो ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना अगर हम ड्रीम इलेवन टीम की बात करें, तो कुछ इस प्रकार की रहने वाली मेरी ड्रीम इलेवन टीम, तो लगभग मैंने सेफ टीम बनाई हुई है इसमें। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो एक एल एम ए पट्टू सबके पास होने वाली है और ऑलमोस्ट यहाँ पर 25% लोगों की पीपी भी होने वाली है। जेड जेलिंग लास्ट मैच में जो परफॉर्मेंस दिखाया था, तो ब्लॉक और स्टील से ज़्यादा पॉइंट देती है जेड जेलिंग, आप इनसे पॉइंट्स की भी कम उम्मीद, असिस्ट और फिर रिबाउंड की भी थोड़ी सी कम उम्मीद कर सकती है, लेकिन ब्लॉक और स्टील बढ़िया करती है और उसी के साथ साथ ये ब्लॉक और स्टील के हर ब्लॉक के और हर स्टील के 3-3 पॉइंट दे देती है, तो मतलब एक दो पॉइंट पर नहीं डायरेक्ट 3 पॉइंट पर ही चले जाती है, इसलिए यहाँ पर इनके पॉइंट अचानक से बढ़ जाते हैं यार। तो ठीक है, लास्ट मैच में भी इन्होंने यही किया था, मतलब स्टील और ब्लॉक सबसे ज़्यादा किए थे। जे खलीफा फुलू ओबेरी मैंने बताया था क्रेडिट से हो रहे, और लास्ट के दो मैच इनके बढ़िया गए थे। उसी के साथ यस रोपदो एक दो
टीम में आप पर इनको यसपी भी ट्राई करना, क्योंकि ये इस टीम की तरफ से सबसे बढ़िया प्लेयर है। उसी के साथ ए विलियम्स और उसी के साथ बी ब्लेयर, जी फोटो, जेड जिलिंग, ए केलमे फोटो, लगभग हर इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और आग पे आगपन के पास दो चेंजेस रहेंगे, जे मॉर्स रहेंगे किसी के पास और किसी के पास रहेंगे एमएमएट। तो जिसने एमएमएट को लिया हुआ है उनको दो बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा किसी भी, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आप दो प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं अच्छे एक अच्छे प्लेयर के लिए, तो वो एमएमएट आपको पॉइंट भी देंगी और आज के मैच में इनका परफॉर्मेंस मुझे लगता है अच्छा भी रहेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग में ट्राई करना, एक दो ग्रैंड लीग की टीम में, अगर इनको स्मॉल लीग में मैनेज करना है तो फिर क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। जो भी फाइनल टीम है मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पर देने की, और आपको ए बक्स भी यहाँ पर क्रेडिट से और मिल जाती है ड्रीम्स की तरफ से, और लास्ट के दो मैच में ए बक्स का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहा है। तो ठीक है गाइज, यही मेरे लगभग फाइनल टीम होने वाली है। आप अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं तो फिर टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं टीम के साथ टेलीग्राम पर। टेक केयर।